नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दुबई से इंडिया कितने आईफोन ले जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान कितना ले जा सकते हैं। एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया, उन्होंने पूछा कि कितने आईफोन ले जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि कैमरा हो गया, ड्रोन हो गया, कितना ले जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो लोग आते हैं दुबई में, सबकी इच्छा होती है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके जाएँ, आईफोन लेके जाएँ। क्योंकि आपको पता है दुबई में टैक्स वगैरह का नहीं होता है, तो बहुत सस्ते मिल जाता है कुछ चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स में। इंडिया में थोड़ा कॉस्ट पर ज़्यादा पड़ती है, तो सभी मोस्टली लेके जाते हैं दुबई में जो भी विजिट करने आते हैं। तो अगर आईफोन की बात की जाए या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात की जाए, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट 50,000 तक का सामान ले जा सकते हैं। अब चाहे वो फ़ोन हो या इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, 50,000 तक का ले जा सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि अगर आईफोन लेके जाना है तो आईफोन ले जा सकते हैं, लेकिन अपने यूज के लिए ले जा सकते हैं। उस पर कवर नहीं होना चाहिए, यानी बॉक्स नहीं होना चाहिए आईफोन का। अगर आप फ़ोन ले जा रहे हैं, बॉक्स देख लिया वहाँ पे कस्टम वालों ने, दिल्ली पे या जहाँ भी आप जा रहे हैं, मुंबई एयरपोर्ट हो गया या कहीं भी केरला, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर आपको देना पड़ेगी कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी है 38.5% सभी आइटम्स पर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बॉक्स नहीं लेके जाना है। आप दो आईफोन भी ले जा सकते हैं, तीन ले जा सकते हैं, बट उसमें क्या है, आपको एक काम करना पड़ेगा, जो आपकी एप्पल आईडी है वो सब में लॉगिन करनी पड़ेगी। ऐसा लगना चाहिए अगर कस्टम ने देख लिया तो कि ये मेरे यूज्ड वाले, यूज कर रहा हूँ मैं इनको फ़ोन, ये यूज वाले फ़ोन है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप इसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि यही एक मेन रीज़न होता है जो कस्टम पर रोकते हैं कि आप सेल नहीं करें कुछ भी बाहर से ला के, देश से ला के, किसी दूसरे देश से ला के इंडिया में कुछ सेल नहीं कर सकते आप, ये उनका रूल है। तो ऐसा कर सकते हैं। अब रही बात ड्रोन और कैमरा की, देखिए ये रूल सब पे लागू होता है कि 50,000 तक का ही आप सामान ले जा सकते हैं, लेकिन ड्रोन का भी यही है, आप अगर लेके जाएंगे तो आप कवर हटा दें उसका, और ऐसा लगना चाहिए कि आप अपने पर्सनल यूज के लिए ले जा रहे हैं, तो आप ले जा सकते हैं। आप मैकबुक ले जा सकते हैं, लेकिन मैकबुक में भी यही है कि ऐसा लगना चाहिए कि आप लॉगिन वगैरह सब कर लीजिए उसमें, और आपके पर्सनल यूज के लिए। तो आप एक एक सब ले जा सकते हैं, बट ऐसा लगना चाहिए कि पर्सनल यूज के लिए। बॉक्स आपको कुछ भी नहीं रखना है, ठीक है। आईफोन मैं सजेस्ट करूंगा कि एक या दो ले जाएं, तीन ले जाएंगे रिस्क है, ये दिमाग में रखना है कि अगर उन्होंने पकड़ लिया तो कस्टम ड्यूटी 38.5% है, जो कि इंडिया का जो प्राइस है आईफोन का उससे भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है, बॉक्स हटा देना है, कॉन्फिडेंटली आपको बताना है कि ऑब्वियस सी बात से अपने यूज के लिए ले जाते हैं, तो यही बताना है कि बस अपने यूज के लिए जा रहे हैं। थोड़ा गोल्ड पे भी डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड का भी यही है कि 50,000 रुपीज़ तक का आप एक मैन गोल्ड ले जा सकते हैं। अब वुमेन की बात की जाए तो वुमेन 1,00,000 तक का गोल्ड ले जा सकती हैं। तो ये गोल्ड का ऐसा कुछ रूल है। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब सवाल आता है कि सस्ता कहाँ मिलेगा। देखिए, जब फ़ोन लॉन्च होता है आईफोन, तो 2 महीने तक अगर बाहर के मार्केट में भी देखेंगे ना, बरदोई वगैरह में, तो कॉस्ट बहुत हाई होता है। अभी आईफोन 14 लॉन्च हुआ था तो 1,000-1,500 ऊपर तक सेल कर रहे थे, तो ये स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। फ़ोन लॉन्चिंग के टाइम में कॉस्ट ज़्यादा रहती है। आप नॉर्मल टाइम में आएंगे, जैसे सितंबर अक्टूबर में फ़ोन लॉन्च होता है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रहता है लोकल मार्केट में, और जो स्टोर्स होते हैं उनमें थोड़ा मुश्किल रहता है, प्री ऑर्डर करना पड़ता है, पहले बुक करना पड़ता है, तो वो एक इशू रहता है। अच्छा, एक बात और है कि आप शारजा भी चेक कर सकते हैं। शारजा रोला मॉल है, मैं वहाँ पर गया हुआ हूँ, वहाँ पर भी सस्ते आईफोन वगैरह मिल जाते हैं, मैकबुक भी सस्ते मिल जाते हैं। अगर आपको यूज्ड में चाहिए तो वो भी सस्ते मिल जाते हैं, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। अगर आप का लेने का प्लानिंग है तो वहाँ पर शायद बजट आपका थोड़ा अच्छा रहेगा, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पर। अगर आप व्लॉगिंग करते हैं, व्लॉगिंग का प्लान बना रहे हैं, तो आपको कैमरा है, गोप्रो और जो भी माइक चाहिए वो सब सस्ता मिल जाता है दुबई में, नो डाउट सब सस्ता मिल जाता है। काफ़ी डिफरेंस आ जाता है कुछ कुछ चीज़ों में, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, पर दुबई की मार्केट से ले सकते हैं, सस्ता मिलेगा आपको। ड्रोन चाहिए, ड्रोन भी आपको इंडिया की अपेक्षा सस्ता मिल जाएगा दुबई में। अगर आपको नया आईफोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप दुबई आएंगे, दुबई से फ़ोन लेके जाएंगे, तो इंडिया के प्राइस के लगभग पड़ेगा, और आपका पूरा यहाँ से आना जाना हो जाएगा, पूरा सब वीज़ा और फ्लाइट का टिकट सब हो जाएगा, इतना फ़र्क आ जाता है। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।